नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। इरफान की जेल से बाहर आते ही पुलिस से रोकझोंक, 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल से 6 घंटे में पहुंचेंगे, परिवार को देख आंखों में आंसू आ गए। घरेलू झगड़ा सुलझाने बैठी पंचायत में फूटे सिर, मेरठ में पति पत्नी की सुलह कराने लगी थी पंचायत, दोनों पक्षों में चले लात घूंसे। एयू में तनाव बरकरार, छात्रों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, तोड़फोड़ और आगजनी के साक्ष्य जुटाने की टीमें गठित, खंगाले जा रहे सीसीटीवी। सहारनपुर में अवैध हथियारों के साथ खेत में 50 लड़के, पुलिस निकाय चुनाव से पहले इन लड़कों को ढूंढ रही, वीडियो हो रहा है वायरल। महिला का नंबर बांटा, वो लोग अश्लील मैसेज भेज रहे हैं, ई रिक्शा चालक पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकी देने के आरोप, 5 पर एफआईआर दर्ज। पीसी विनय पाठक ने फिर दर्ज कराए बयान, एसटीएफ ने जारी किया था नोटिस, अजय मिश्र और जैन के खिलाफ चार्जशीट तैयार। पार्षद के घर चोरी का आरोपी लक्ष्मण गिरफ्तार, मेरठ एसटीएफ बरेली से पकड़ कर लाई पूछताछ में उला ऑपरेशन मेरठ का हरराज। आगरा में कमिश्नरेट कोर्ट में होगी सुनवाई, कमिश्नर ने तय किया किस कोर्ट में होगी किस मामले की सुनवाई, अधिकारी भी हुए नियुक्त। देवरिया जेल में बंद कैदी इलाज के दौरान मौत, 26 नवंबर को जिला जेल में दाखिल हुआ था अख्तर, एक सप्ताह पहले अस्पताल में हुआ था भर्ती। लखनऊ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गोमती नदी में गिरी युवक युवती की मौत, एक की हालत गंभीर। औरैया में मालगाड़ी से घटकर युवक की मौत, ऑफिस से आने के बाद गया था टहलने, 2014 में हुई थी शादी। झांसी में बस ट्रक की टक्कर, दो की मौत, सवारियां लेकर टीमकगढ़ जा रही थी, नीचे बस ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। मथुरा पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, बागेश्वर धाम से लौटी महिला से छेड़खानी कर पर्स लूट रहा था। ललितपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मां बेटी सहित 4 लोग घायल। हाथरस में सुबह 10 बजे से जाना होगा स्कूल, ठंड और कोहरों को देखते हुए डीएम ने बदला समय, बोली हाईवे पर लगाए रिफ्लेक्टर। चार दिन से लापता युवक का अधजला मिला शव, पिता बोले दोस्त ही बुलाकर लेकर गए थे, फिर मार डाला, दो पर केस दर्ज। बलिया में घूस मांगना पड़ा ग्राम विकास अधिकारी को भारी, वीडियो वायरल के बाद हुई जांच, जिला विकास अधिकारी ने वीडियो को किया निलंबित। दीवार तोड़कर तेल व्यापारी के घर में घुसे चोर, थाना अहमदुल्ला के सुशीन नगर जेल में रिफंड से भरे कॉटन किए गए चोरी। सुल्तानपुर निकाय चुनाव में फुल फेज में उतरेगी आप, सांसद संजय सिंह पदयात्रा और नुक्कड़ सभाएं कर जब बनाएंगे जमीन। पैसों की लेन देन को लेकर पीट पीट कर हत्या, ढाबा पर काम करने के बाद लौट रहा था युवक, दोस्तों ने सिर पर डंडे से किया वार।
कानपुर में हार्ट अटैक से 3 मरीजों की मौत, 17 इमरजेंसी में भर्ती युवा में बढ़ा एंजाइना पेन। बरेली में अपराधियों की सीसीटीवी से निगरानी, 90 जगहों पर लगाए गए हाई क्वालिटी कैमरे, 6 चौराहे पर 22 कॉल बॉक्स से मिलेगी मदद। बलिया में बेसे ने 3 शिक्षकों के निलंबित, वीओ को दिए जांच के आदेश, निरीक्षण में 3 मिले थे गैर हाजिर। फिरोजाबाद में अधिवक्ता हत्या का मामला, मृतक के घर पहुंचे प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, आर्थिक सहायता राशि का दिया चेक। उन्नाव में डीएम ने रैन बसेरों की देखी व्यवस्था, बोली खुले आसमान के नीचे कोई ठिठुरता मिला तो होगी कार्यवाही। अलीगढ़ में इको गाड़ी में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं रोडवेज बस में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस थाना ने पुलिस शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बुलंदशहर में एसएसपी अनिकृत शर्मा की अवैध पट्टी खनन पर छापामारी, छापामारी में पुलिस ने खनन माफिया के 2 गुर्गों को क्या हिरासत में लिया। फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर पप्पू यादव के मकान में चला बुलडोजर, अपराधी पप्पू यादव ने अवैध तरीके से धन अर्जित कर बनाई थी लाखों की संपत्ति। बुलंदशहर में 5,000 के नामे अनिस से पुलिस की मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ अनिस। अलीगढ़ में झारड़ से भारत जोड़ो पदयात्रा का छर्रा, विधानसभा प्रत्याशी ने अकबराबाद में किया स्वागत, पठान फिल्म को लेकर भाजपा पर कसे तंज। औरैया में गेल पाता प्लांट में सरीक्षा हर्बल गार्डन का पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने किया उद्घाटन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। चंदौली में काशीराम आवास घोटाले में पुलिस ने एसडीएम को किया गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने एसडीएम के गिरफ्तारी का जारी किया था आदेश। देवरिया नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, प्रत्याशी विनय प्रकाश सिंह बोले विकास व शिक्षा ही मेरा लक्ष्य। गोंडा में प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, मौत से परिजनों में मचा कोहराम। कन्नौज में बदहाल सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर की जगह व्हील चेयर पर मरीज को स्वयं ले जाते तीर मारदार। कानपुर आकाशवाणी के उद्योजकों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, उद्योजकों ने अधिशासी को इस संबंध में सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन ने दुकानों पर की तोड़फोड़, छापेमारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप। लखनऊ समेत कई शहरों में इनकम टैक्स का छापा, दिल्ली से आई टीम के नेतृत्व में हुई छापेमारी। रायबरेली में जिला प्रशासन की लापरवाही से खुलेआम हो रहे चाइनीज मांझे की बिक्री, चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक और घायल। और अया में दुर्वासा ऋषि धाम मेले को लेकर प्रशासन सख्त, मेले की सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक शिषपाल।
प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा पाकिस्तान के विदेश मंत्री को लेकर रोष। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का फूंका पुतला। विशाखापट्टनम से औरैया पहुंची विशेष योग्य टीम, ड्रोन से यमुना पुल की परखी खमिया, जाम में मिले बेयरिंग। रायबरेली में माइनर कटने से सड़क पर हुआ जलभराव, जलभराव होने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। संभल के सरकारी राशन की दुकान का खुली बैठक कर किया प्रस्ताव, बैठक में स्वयं समूह की महिला को बनाया गया राशन डीलर। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी ने लगाई फांसी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में भागदौड़ की जिंदगी लोगों को मानसिक रूप से बना रही है बीमार, मनोरोगियों को काउंसलिंग से लोगों को मिल रही है राहत। रायबरेली में ग्राम प्रधान की मिली भगत से हुआ सड़क निर्माण में घोटाला, ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। उन्नाव में नहर की खांधी कट जाने से जलमग्न हुआ सैकड़ों बीघा की रबी फसल, लोगों के घरों में जा रहा है पानी जिससे आक्रोशित दिखे लोग। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान ने के शिक्षक से मारपीट, हस्ताक्षर कराने गए शिक्षक से मारपीट के बाद शिक्षकों में रोष। गाजियाबाद में स्कूलों के समय में किया गया बदलाव, घने कोहरे के कारण स्कूल जाने के समय में किया गया बदलाव। गोंडा में उप मुख्यमंत्री की बड़ी कार्रवाई, दो डॉक्टर समेत छह स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त करने के आदेश। यूपीएसआरटीसी ने कोहरे से हो रहे हादसे के मद्देनजर लिया फैसला, रात के समय कोहरा मिलते ही रोके जाएंगे वाहन। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने की आत्महत्या, मृतका के पिता का आरोप, दहेज के लिए किया जा रहा था मेरी पुत्री को प्रताड़ित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम के विदेश दौरे को लेकर राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। उधारी के डॉक्टर के भरोसे चल रहा है गोंडा का सरकारी स्वास्थ्य सेवा, हर दिन हजारों की संख्या से इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं मरीज। गोरखपुर में अचानक मौसम ने ली करवट, खड़ी बड़ी ठंड, कोहरे से पसारा सुबह से ही सड़कों पर दिखा भयंकर धुंध, गाड़ियों से रफ्तार पर लगा ब्रेक। पुराने लखनऊ में चला नगर निगम का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को लेकर चला नगर निगम का हंटर, अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने की कार्यवाही। कानपुर पुलिस कस्टडी में हुई बलवंत हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कलाई के मसल डैमेज, 500 से ज्यादा बरसाई लाठियां। लखनऊ में श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ गुरुद्वारा साहिब अलीगंज से निकाली गई प्रभात फेरी। कानपुर में ट्रक और बस में हुई भीड़ टक्कर, हादसे में एक दर्जन से अधिक सवारियां हुई घायल, ट्रक चालक की हुई मौके पर मौत। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों का समय सुबह 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक होगा। मेरठ में चोरों ने कारपेंटर के कारखाने को बनाया निशाना, कारखाने के ताले तोड़कर लाखों का सामान चोरी करके ले गए चोर।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद एलयू में छात्रों का प्रदर्शन, संयुक्त छात्र संगठनों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी कैंपस में घटित हुई घटनाओं से छात्रों में आक्रोश। मेरठ में दलित महिला ने परिवार सहित दिया आत्महत्या करने की धमकी, दबंगों के कहर से परेशान है दलित परिवार। अयोध्या में ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में दो की मौत। संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली या भारत जोड़ो यात्रा, कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण कर निकाली यात्रा। फरुखाबाद में झारखंड सरकार के खिलाफ जैन समाज का फूटा गुस्सा, सैकड़ों की संख्या में जैन धर्मियों ने फतेहगढ़ वर्कशॉप से कलेक्ट्रेट तक किया पैदल मार्च। गोरखपुर में गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर आपस में टकराई दर्जनों गाड़ियां, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई में कोयला लदी मालगाड़ी से निकला धुआं, आरपीएफ के दरोगा की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बिजनौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अवैध शस्त्रों के साथ अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार। औरैया में सरकार के मिले निर्देशों के अनुसार रोडवेज में दुरुस्त की व्यवस्थाएं, कोहरे के मद्देनजर रोडवेज बसों की रात्रिकालीन सेवाओं पर लगा रोक। अयोध्या में शीतलहरी को देखते हुए डीएम नीतीश कुमार का निर्देश, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक किया परिवर्तन। बुलंदशहर में एसएसपी दफ्तर के सामने वकील और मुवक्किल के बीच मारपीट, अपोजिट पार्टी के वकील और मुवक्किल के बीच सड़क पर चले लात घूंसे। चाचा ने 6 साल के भतीजे को मार डाला, हत्या के बाद 50 लाख रुपए फिरौती मांगने की थी प्लानिंग, 6 महीने से पहले बना रहे थे प्लान। आज के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।